पहाड़ दे विच बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती पई है, सारे लोग घूमते पे है। मैं इसकी ताई लगती हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा रिश्ता है मेरे साथ। खतरनाक ठंड हो रही है ना सुबह शाम, पूजा हम चलिए भैया बता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंजलि दिवाकर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी मॉर्निंग के 7:30 बजे से। आज मौसम भी कुछ अजीब तरीके से हो रखा है, कभी धूप आ रही है तो कभी छाव आ रही है, कभी बिल्कुल अंधेरा पट्टा जम रहा, तो कहें घामला ही जम रहा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों आज बारिश आने का वो मौसम हो ही रखा है, कभी धूप भी आ रही है कभी छाँव भी हो रही है। तो आज लगा रहे मम्मी और भाभी मिर्च, क्योंकि मिर्च का सीज़न आ गया है। अगर टाइम पे लगा दिया तो होगा, अगर नहीं लगाया तो नहीं होगा, क्योंकि अभी गर्मी में पानी की दिक्कत भी बहुत आ जाती है। अपना कम खर्च करके पानी मिर्ची उनको देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे तो मतलब बिन देते हैं मिर्च का, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है थोड़ा तो छोटे दो दो पेड़ करके खोदते हैं, पहले गड्ढे जैसे बनाते हैं हर जगह जगह पे, उसमें लगाते हैं फिर। और बाजन साइड को होता है कि पूरे खेत में बो देते हैं, यानी कि हल के द्वारा पूरे खेत में बो देते हैं। उधर साइड वो वाली खेती वाली मिर्च होती है और हमारे यहाँ को रुपाई वाली मिर्च होती है, यानी कि दो दो पेड़ करके लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आज दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर मिर्च लगाते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, छोड़ झंझाम वीडियो में, ठीक चो बाय। आपको मैं एक फल दिखाती हूँ, उस फल के पेड़ में से मतलब जो फल आते हैं तो उसके हम सब्जी भी बना सकते हैं। और बताती हूँ उसको क्या बोलते हैं करके पहाड़ में, आप भी बताना कि आपके भाई क्या बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है तिमिल, इसको तिमिल बोलते हैं। ये देखिए जितने भी छोटे छोटे तिमिल हो रखे हैं ना, ये वैसे तो ये बाद में पक जाते हैं, पर जो ये छोटे वाले हो रखे हैं इनको हम उबाल के इनकी सब्जी भी बना सकते हैं। और ये पत्तियाँ हमारे बहुत काम आती हैं मंदिर वगैरह में, जब प्रसाद वगैरह बनता है तो इस इन्हीं पत्तियों में बांटा जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम की होती हैं। फल इतने अच्छे हैं कि सब्जी भी बना सकते हैं देखो, और बाद में पक जाता है तो फल के रूप में होता है एक। दोस्तों तो ये हरी सब्जी हो रखी है हमारी, मूली के पत्ते, तो कड़ी चावल और ये हरी सब्जी बना रही हूँ अभी। बहुत ही अच्छी पत्तियाँ हो रखी हैं अभी गर्मी के दिन भी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मम्मी उनके साथ, यानी कि मम्मी लोग जा रखे हैं अभी, भाव को लेके जा रखे हैं घूमने के लिए, तो हम भी वही जा रहे हैं। तो आज का 3 दिन से हमारे यहाँ पे आग लग रखी है। कल तो मैंने दिखाया था कि एक घर बाल बाल बचा है हमारा, जो कि गांव वालों ने बचा लिया था। और पड़ो आग लग रहे, सब भड़ी को सब पड़ो भड़ी को, गाइस देखो यहाँ के क्या है कि पूरा सब जल गए। कल दिन में इतनी भयंकर की आग लगी ना, पूरा मतलब पूरे नीचे पूरा गधेरे बन सब आग सब फूकी गो, मतलब फूकी मतलब घास हास सब जल गई। और देखो दो हिस्सा खड़े में लग गए, गोगो आ रहा है भयंकर की विराह है खेल ना, मुझे है रहा गोगो विराह है रहा खेल, हां विराह है खेल मुझे इसका मतलब ये है कि मुझे है रो मुझे कह रहा है गोगो क्या क्या बोल रही थी बिरा भरे खेल, मतलब इसका मतलब ये है कि पूरी जंगल में आग लग रखी है। तो हमारे हम लोगों की कल मतलब हम हमारी तो नहीं, मैं तो नहीं गई थी, खैर मतलब और लोग हैं ना जो हमारे गांव के, उनकी आफत निकल रखी थी। तो
और हमारे खेल हम मजाक नहीं बना रहे इस चीज़ का, मतलब आग बहुत ही खतरनाक है, आग और पानी से कोई नहीं सक सकता, आग और पानी से कतई बिल्कुल झगड़ नहीं करना, कतई थोड़ा हटिया रहना गाइस, आग और पानी से मतलब आग और पानी से ना कोई जीत ही नहीं सकता यार। क्यों पूजा जीत सकता है? बिल्कुल, पानी की लहर और आग की लहर, आग की लहर। तो दोस्तों आग और पानी से कोई सक नहीं सकता, यानी कि मतलब उन दोनों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोग भी कभी भी ऐसा मौका मिलेगा ना कि हम तो जीत ही जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आग और पानी से ना कोई नहीं जीत सकता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोटी साउडाओ, मोटी साउडाओ, और यहाँ पे पूरी आग लग रखी है दोस्तों। आपको एक बार और दिखा देते हैं हम, और हमारे सूरज भगवान भी जाने वाले हैं अभी घर को, एक मिनट। उनको लग गई भूख, उनको लग गई भूख, और पूजा को भी लग गया, अभी ये भी दौड़ लगाएगी। दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए, देखो दृश्य देखो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही खतरनाक दृश्य, पूरा चौड़ा में पूरी चारों तरफ से आग लगी हुई है, और पूरी तरफ से कपट हो गया है, अभी कपट हो गया पूरा। ये देखो सूरज भगवान भी अपने घर को जाने की तैयारी में है, और हमारी अम्मा आ रही है आगे से। अम्मा हेलो करो, ओ अम्मा बड़ा दिनों बाद दिखमचा, हेलो करो, हेलो हाय करो, हाय ऐसी कहो, हवा में उड़ते हुए जा रही है अम्मा। हेलो, तो ये घूम के आ रहे हैं, जो दूसरे हैं वो अम्मा की बहन है, तो दोनों घूम के आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, इस बार ना एक दो दिन से वैसे आग लगने के कारण गर्मी हो रही है, वरना अभी अभी वरना अभी ना मई चला गया, मई चल गया है, तो मई में भी इतनी खतरनाक ठंड हो रही है ना सुबह शाम। पूजा हम चलिए मैं बता रत्ती ब्याह, और रत्ती पर ब्याह हो तो हड़ा रहा यार, अभी भी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मजा आ रहा है इस बार पहाड़ में ना, मतलब मई चला गया, मई चल रहा है और बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है अभी भी। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो दोस्तों सौ डावला हिलमा, वो हमें गौता डावला हिलमा, गौतभुज, और ये पूजा जा रही है खेलते हुए, मस्त कोई मिली नहीं जाते खेलने वाला, क्या करे बिचारी अकेले पड़ गई है गांव में। मेरी उम्र में जो मेरी उम्र का कोई बच्चा नहीं है नीचे, हाँ, और ये दो ऊपर रहते हैं और बिचारी पूजा ही रहते है गाँव में, लेकिन मजा नहीं आता नीचे। तेरे को हमारे घर पे अच्छा लगता है ना, इसको खेलने में रहता है ना, खेलने के टाइम पे खेलते रहती है, मतलब इसके जब छूटता है ना ट्यूशन क्लास तो ये फिर इसका जाने का मन ही नहीं करता। छत में जब बसते छह साढ़े छह तब जाते हैं घर को। और ये ताई जी आ रही है सब्जी लेके, हेलो पूजू, पूजा ये है छोटी सी बहन, ये छोटी सी, ये मैं इसकी ताई लगती हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा रिश्ता है मेरे साथ, अम्मा लगती है और पगली सही समझो। ये ताई जी आ रही है सब्जी का थैला लेके, और मैं लाऊंगी ना आम, आम कर, अब मैं लगती हूँ पूजा की ताई, ताई बोल दे एक बार, ताई बोल, बोल दे बिट्टू, ताई बोल दे, बोल ए बोल यार, रिश्ते में किसी से तो बड़ी हुई मैं, ये देखो मत कर, नहीं जा मैं, चलो फिर बाय बाय पूजा, बाय बोल दे ताई, बाय। दोस्तों जो छोटी सी बच्ची जा रही है अभी, इसका नाम है क्या है, पूजा, पूजा, और मेरा नाम भी पूजा, इसका नाम पूजा मुझको कहते हैं, उसको कहते हैं, हाँ, तो दोनों का नाम पूजा है, पर जो छोटी सी बच्ची है ना मैं उसकी ताई लगती हूँ, इतना बड़ा रिश्ता, मैं इसकी ताई लगती हूँ पूजा की, और ये लगती है अम्मा, बूढ़े आम, ये बूढ़े आम लागे ये लगती है बूढ़े आम। और दोस्तों मैं मतलब ताई लगती हूँ उसकी, एक रिश्ता मतलब ऊंचा पद मिल गया मुझे तो, और जो मेरा भाई है वो पूजा से बड़ा है, इन दिनों बिल्कुल है नहीं पड़े, पटका कहाँ जानी है एक दूसरे के पता ना खींचू। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रही है, अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे पिछली शादी थी, तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों,
ये बैठे चाचा आराम से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थी पिछली शादी। गाइज ये देखो नीचे धनिया रखा मस्त वाला बढ़िया सा, और आम के पेड़ दिख रहे, आम के पेड़ दिख रहे बढ़िया से मस्त वाले। तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों आज वहाँ उधर जंगल में आग लग गई है, तो एक गाय इधर साइड को आ गई है, छोड़ी हुई गाय है ये देखिए, वो दिख रहा है दिखाने का गांव, और वहाँ पे भी आग लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जानवरों को, पहले पालते हैं फिर छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। ओ ताई जी हेलो करो, हेलो मैं जा रही हूँ बस सौ काटने। तो दगड़ी यू ची हम ताई जी हमारे गाँव की, मैं दिल्ली में रहती थी वैसे आजकल घर आ रखी है। हेलो करो ताई जी। तो ये भी आ रखे घूमने के लिए, अब जा रहे हैं घर को। और ये ताई जी भी आ रखे हैं। अच्छी अच्छी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पहाड़ का एरिया देख रहे हैं। ताई जी एक बार पंजाबी में बोल दो, सबको वेलकम पहाड़ आने के लिए। पंजाबी में बोल दो एक बार, पंजाबी में आ जाओ। इतने पहाड़ दे बीच बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती पई है, सारे लोग घूमते पे है, लोग इंजॉय करते पे है, और सारे अपने अपने घर नु चले गए है। सवेरे घूमन नु आए सी, शाम दे वेले हुण सारे जांदे पे अपने अपने घर नु। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घूम के, और आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। बाय।